Bilalir Rahman Assalamualaikum, little learners. I am Nabila Bashir, and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, in this video, have Gohar Grace English Playgroup, age three plus, ka page number thirty six or thirty. सेवन करने वाले हैं जैसे कि पहले भी हमने कुछ लर्निंग टाइम और एक्टिविटी टाइम किए हैं तो इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं कुछ एक्टिविटी पेजेस और कुछ लर्निंग पेजेस तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो दिस इज पेज नंबर थर्टी सिक्स वॉट डू वी हैव हि वी हैव एक्टिविटी टाइम यानी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं राइट द beginning लेटर्स आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में भी हमने इस किस्म की एक एक्टिविटी एक की थी ये बिल्कुल उसी तरीके से करनी है पिक्चर्स गिवन है उनके सामने उनके वर्ड्स गिवन है हमने सिंपली उसका फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करना है और वो लेटर वहां पे लिख लेना है सो वट इज दिस दिस इज अन तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है ल, यानी एल लॉयन आगे देखें वट इज दिस इट्स अ तो लैम्प का बिगनिंग साउंड क्या है ल तो हम यहां लिखने वाले हैं एल तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा द नेक्स्ट वन इज तो ख आपने यहां पे की -की -कर बनाना है तो हम यहां पे लिखेंगे लेटर खे एंड द नेक्स्ट वन इज खिटन और किटन भी किससे बनता है खेकि ख से बनता है तो यहां हम लिखेंगे खे आगे देखते हैं दिस इज अप दिस इज अ जीप और जीप का बेगनिंग साउंड क्या है ज तो इसका ये मतलब है हम यहाँ जे लिखेंगे और आगे देखें ये है एक जार तो जार भी किससे बनता है ज से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे जे लिखेंगे यानी ज जार आगे देखें दिस इज एन आइसक्रीम और आइसक्रीम किससे स्टार्ट होता है लेटर आई से स्टार्ट होता है cube, और लास्ट वन इज आइस क्यूब और आइस क्यूब किससे स्टार्ट होता है आई से आइस क्यूब तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे भी हम लेटर आई लिखेंगे तो इस तरह से आपने इस पेज को कंप्लीट कर लेना है अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सो दिस इज पेज नंबर थर्टी सेवन दिस इज आवर लर्निंग टाइम हमने क्या करना है रीड अलाउड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन लेटर्स को मेरे साथ रीड करना है ए ए बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग H, H, H I J, J J K K, K L, L L इसके बाद हमारे पास है ट्रेस हमारे पास कुछ लेटर्स गिवन है यानी वो डॉटेड लेटर्स हैं इनको हमने ट्रेस करना है तो आप रेडी हैं ट्रेसिंग के लिए जल्दी से अपनी पेंसिल को शार्प कर लें और मेरे साथ ट्रेसिंग करें सिंपली आपने डॉट पे पेंसिल रखनी है और स्लो 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 इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है और वापस जाएं स्ट्रेट लाइन लगाएं ये हमारा लेटर ए बन गया अब हमने क्या करना है इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब इसकी बेली बनाएंगे डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और ये बन गया ब और अब हम बनाएंगे ख इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और ये बन गया ख अब हम बनाएंगे ड ड में हम पहले कर्व्ड लाइन बनाएंगे वापस जाएंगे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये बन गया हमारा लेटर ड अब हम बनाएंगे ई e, इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कर्व्ड लाइन बनाएंगे और ये बन गया लेटर ई e, अब हम बनाएंगे लेटर एफ इस डॉट पे पेंसिल रखें कर्व्ड लाइन देन स्ट्रेट लाइन कम डाउन गो बैक मेक अ स्लीपिंग लाइन सो दिस इज लेटर एफ अब हम बनाएंगे लेटर जी इस डॉट पे पेंसिल रखें और इनको आपस में ज्वाइन करें वापस जाएं स्ट्रेट लाइन बनाएं कर्व्ड लाइन बनाएं ये बन गया लेटर जी अब हम बनाएंगे लेटर एच स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और नीचे आएंगे और अब हम करेंगे खर्व लाइन और नीचे आके ये बन गया लेटर एच अब हम बनाएंगे लेटर I सिंपल स्ट्रेट लाइन अ डॉट दिस इज लेटर I इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे नीचे लेके आएंगे स्ट्रेट लाइन देन अ खर्व लाइन गो बैक मेक अ डॉट दिस इज लेटर J, अब हम खे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन एन स्लांटिंग लाइन दिस किकिंग इजिंग यानी लेटर खे अब हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा ख बनाएंगे ये बन गया एल जी बच्चों ये था हमारा लर्निंग टाइम और एक्टिविटी टाइम आई होप आपने इनको एंजॉय किया होगा अब आपने इन एक्टिविटीज को खुद से सॉल्व कर लेना है और बहुत केयरफुली ट्रेसिंग कर लेनी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक क्योर एंड अल्लाह हाफिज